नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती से। सियासत हर समय अपने रंग बदलती रहती है। देश में हर सियासी नुमाइंदे की नजर हमेशा सियासी गलियारों में गठजोड़ तलाशती है। ऐसी ही कुछ छलचल चल रही है बंगाल की राजनीति में। ख्वाजा साजिद ने एक शेर में लिखा है, कल सियासत से भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत भी सियासत है। ये लाइनें इसलिए भी सटीक हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है वो सभी आंखों के सामने सियासत के नए समीकरण गढ़ रहा है। देश भर में कांग्रेस का गिरता स्तर उसे तितर बितर करने में एक नया अफसाना तलाश रहा है। तो ऐसे में नेहा, क्या लगता है, क्या चल रहा है बंगाल में और क्या कुछ होगा? 4-5 महीने ही बंगाल में इलेक्शन को रह गए हैं। 2021 में चुनाव है और जिस हिसाब से बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल पर है, आगे की रणनीति तय कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की बन सकती है। बिल्कुल, उम्मीद है कि जिस तरीके से अब, क्योंकि एक लंबा समय जो है वो ममता बनर्जी को वहां पर है हो गया है, तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर इस बार जो है कुछ बदलाव की हवा जो है वो चलने वाली है। जी, जिस तरह की बदलाव की हवा चल रही है और लड़ाई चल रही है अपनी, इनकी बीजेपी की, कांग्रेस की, टीएमसी की, ऐसे में लग रहा है कि टीएमसी कहीं ना कहीं ममता दी बौखला गई हैं वर्चस्व की लड़ाई में। इस वजह से उनके काम भी सही से नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो। बिल्कुल, और ऐसा ही कानून व्यवस्था की अगर आपने बात की है तो इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला होता है, जब वहां पर जेपी नड्डा का काफिला पहुंचता है और तमाम तरीके के जो हमले किए जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि भाजपा के जो नेता हैं उनको वहां पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो कभी सुसाइड कर लेते हैं और तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में वहां का जो सिक्योरिटी है, वहां की जो चीजें हैं, ये काफी जो है वो शक के घेरे में है। जी, अब जैसे आगे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए, अभी टीएमसी में हाल में ही कुछ नेता, बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऊपर लग रही है और टीएमसी को डर है कि कहीं ना कहीं उसकी पार्टी वो सत्ता से हट ना जाए। टीएमसी को डर बेशक बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि एक लंबे समय से टीएमसी वहां पर काबिज है, तो जब आप एक लंबे समय से होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको एक लंबा वक्त गुजारने के बाद आपको चीजें वहां पर समझ में आती हैं। और जैसा हम अभी बात भी कर रहे थे, जब आपने बोला था कि वो जो पार्टी है वो अपने आप में वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, तो वहां की पार्टी वहां की चीजों को बेहतर समझ पाती है। लेकिन क्योंकि बीजेपी अब एक नए तरीके से वहां पर उभरने की कोशिश कर रही है, नई नए समीकरण वहां पर जो है वो बनाए जा रहे हैं और इस वक्त जैसा आपने बोला कि पूरा फोकस जो है बीजेपी का वो बंगाल बना हुआ है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा कि किस तरीके से टीएमसी अपने आप को बचा पाए, क्योंकि अब वर्चस्व की लड़ाई है टीएमसी के लिए भी है। जैसे वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें टीएमसी अपना योगदान तो दे रही है। कानून व्यवस्था की बात हुई, बीच में जो हमले की बात हुई, विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए कानून व्यवस्था को लेकर। तो ना कानून व्यवस्था सही है, ना वहाँ की जनता के जो इरादे हैं वो भी भाप नहीं पा रही है पार्टी की, किसकी सरकार जनता बनाएगी। ऐसे ही हाल में ही बिहार इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी रैलियों में बड़े बड़े लोग आए बीजेपी को समर्थन देने, लेकिन वोट किसी और को दे दिया। ऐसे में टीएमसी भी सोच रही है, समझ नहीं पा रही है कि आखिर में जनता चाह क्या रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें एक चीज जरूर ये देखी जाएगी कि जब कोई भी पार्टी जो है, जैसा हम अभी बता भी रहे थे कि जिस तरीके से एक पार्टी जब एक लंबे समय से काबिज होती है एक जगह पर, तो एक टर्म होती है एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब ये होता है कि जब एक लंबा वक्त हो जाता है सरकार को देखते हुए चलते हुए, तो उस समय जो है वो मूड जो है जनता का वो ये होता है कि आप एक चेंज देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा चेंज देखें जिसमें कि आपको कुछ नया देखने को मिले। मतलब यानी कि एक लंबे समय से जब वो ममता बनर्जी को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार चाहे उनके काम जो है वो अच्छे भी रहे हों, लेकिन फिर भी एक उस टर्म को लेकर एक नया चेंज देखने की कोशिश जो है वहां की जनता कर सकती है, मुझे लगता है। भारतीय, ऐसे में क्या लगता है, लगातार बीजेपी रैली कर रही है, अमित शाह जी जा रहे हैं, विजयवर्गीय हैं, बहुत सारे नेता हैं रैली पे रैली कर रहे हैं, ऐसे में क्या जनता उनको समर्थन देगी? समर्थन दे सकती है नेहा, मुझे लगता है, लेकिन एक चीज़ और है, एक सपोर्ट उनकी तरफ और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर अक्सर हमले होते हैं और बीजेपी के नेताओं का वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि वो उनकी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया, तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये भी एक जो है प्लस पॉइंट जो है वो बीजेपी के साथ जा सकता है, क्योंकि जब टीएमसी जो है वहाँ पर पहले से है मौजूद, तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आप जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, आप जो मुद्दे लेकर चुनाव में उतरेंगे जब आप रैली कर रहे हैं, तो आपको मुद्दे जो हैं वो इस तरीके के रखने हैं कि जो कि जातिवाद के ना हो। यानी बीजेपी
को कहा जाता है कि वो पार्टी जो है वो जातिवाद की चीजें करती है, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि ममता बनर्जी ने जब एक महीने पहले जब चुनावी बिगुल बजाया था तो ऐसे में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो जो पंडित हैं उनको 1000 रुपए महीना देंगी और साथ ही उन्होंने वादा भी किया था कि वो उन्हें घर भी दिलाएंगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी किस तरीके की राजनीति वहां पर खेल रही है? मुद्दा ये नहीं है कि कोविड से लड़ना है, मुद्दा ये नहीं है कि वहां की एजुकेशन पे वर्क करना है, मुद्दा ये नहीं है कि वहां की साफ सफाई पे वर्क करना है, मुद्दा ये है कि आप जातिवाद पर खेल रहे हैं, आप पंडितों को वहां पर 1000 रुपए महीना दे रहे हैं, आप वहां पर जो है वो उनको घर दिलाने की बात करते हैं। तो ये वहां की राजनीति बताती है कि बंगाल की राजनीति आखिर है कैसी। हम भूल नहीं सकते कि यूपी की राजनीति भी इसी तरीके की है, यूपी में भी जो है वो तमाम तरीके की जातिवाद को लेकर बातें होती हैं, तो बंगाल की राजनीति भी इससे कम नहीं है। और नेहा, हम सभी जानते हैं कि जब हिंदुस्तान में, भारत में जब राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले जातिवाद आ जाता है, सबसे पहले धर्म आ जाता है, तो ये बहुत बहुत ही दुखद बात है अपने आप में। जैसे आपने जातिवाद की बात की, तो बीजेपी का शुरू से इतिहास रहा है कि वो जातिवाद पे ही इलेक्शन लड़ती है। बात तो बहुत करती है, वादे करती है कि ये सरकार बनेगी तो विकास होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही कम नाम के लिए कागज़ पे रहती है। तो बंगाल से भी इनकी राजनीति कहीं ना कहीं छुपी नहीं है, सब सामने ही है। बिल्कुल, ऐसे में क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि बीजेपी की राजनीति को अक्सर कहा जाता है कि जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम सिर्फ बंगाल की बात करें तो बंगाल में इस वक्त लंबे समय से टीएमसी है, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पर काबिज हैं, तो ऐसे में वो वही वर्ड मैं वापस से, वही टर्म मैं वापस से लेके आना चाहूंगी कि एंटी इनकंबेंसी। और इसमें साफ सीधी सी बात यही होती है कि आप जो है एक लंबे वक्त से हैं तो आपका एक चेंज जरूर देखना चाहेंगे। जातिवाद की राजनीति कौन नहीं करता, जातिवाद की राजनीति बीजेपी करती है, कांग्रेस को कहा जाता है कि वो घर वालों की और तमाम चीजों की राजनीति करती है, टीएमसी को कहा जाता है, तो जातिवाद की राजनीति अभी, जैसा मैंने कहा कि भारत की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, भारत की राजनीति में जो है वो जातिवाद का खून दौड़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये देखना ज्यादा अहम हो जाएगा कि बंगाल की जो जनता है क्या वो चेंज चाहती है, या फिर वो पुरानी, जिस तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे अब तक जो पॉलिटिक्स वहां पर चलाती हुई आई है उसी को ही आगे चलने देगी। अच्छा, जैसे कि यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें सारे विपक्ष इकट्ठा हो गए बीजेपी को हटाने के लिए, तो क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ बंगाल में भी देखने को मिलेगा? देखिए, अभी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेता पहले टीएमसी में शामिल हुए, टीएमसी के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो अभी वहां की राजनीति पे कुछ ऐसा बोलना जिस तरीके से यूपी में हुआ, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बंगाल की राजनीति यूपी की राजनीति से बहुत अलग है। बंगाल में उतनी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय नहीं है जितनी यूपी में है, और यूपी की, हम सभी जानते हैं कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को एक दिशा देती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप जो बंगाल की राजनीति पर एक ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि बंगाल की राजनीति को समझना एक लंबा इतिहास है। एक समय था जब ममता बनर्जी से पहले जो नेता थे उनका भी एक अलग वर्चस्व था, अब ममता बनर्जी का एक लंबा वर्चस्व रहा। आप जाएंगी वहां पर बंगाल में तो आप देखेंगी कि वहां के जो रोड हैं वहां पर सफेद कलर की जो है वो बाउंड्रीज हैं और उस पर ब्लू कलर की एक लाइंस हैं। तो ये देखिए, वहां की राजनीति एक नया स्तर लेके आती है। अब अगर हम यूपी में आ जाएं तो यूपी में जिस तरीके से वहां पर जो बसें चलती हैं, तो सपा सरकार में जो एक उनका एक रंग था वो जो है उन बसों पे नजर आता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी की जिस तरीके से वहां पर रोडों पे जो उनका रंग है ब्लू, जो वो साड़ी पहनती हैं व्हाइट एंड ब्लू, वो सेम वो नजर आता है। तो वहां की राजनीति एक अलग तरीके से चलती है, ममता बनर्जी की चीजें थोड़ी अलग तरीके से चलती है, लेकिन भाजपा ने पूरी कोशिश कर, पूरे तरीके से वो वहां पर जुटे हुए हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब मोदी या फिर जब जेपी नड्डा या फिर अमित शाह, अगर क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत अहम किरदार हैं इस पूरे भाजपा के, तो ऐसे में ये लोग जब करते हैं तो फिर चीजें बदलती, फिर जो है एक नया रूप, एक नई तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। और एक लंबा समय जो है वो, मुझे लगता है अभी हमारे पास वक्त है, अभी 5-6 महीने का जो वक्त है, जिस वक्त के बाद जब ये इलेक्शन होंगे तब देखने वाली बात यही होगी कि उस समय तक क्या कुछ समीकरण जो है वो बदलते हैं। भारतीय जैसे राजनीति है, राजनीति में बदलाव जरूरी होता है। इलेक्शन आते हैं, विधायक का टूटने का सिलसिला भी जारी हो जाता है, कोई इस पार्टी में जाता है, कोई उस पार्टी में जाता है, सबको सीट चाहिए होती है, पद चाहिए होता है। तो ऐसे में जो टीएमसी से बीजेपी में गए हैं,
उनको अगर बीजेपी टिकट देती है और जो पहले से बीजेपी में है उनको टिकट नहीं देती है, तो फिर वही सिलसिला होगा कि बीजेपी से नाराज हो जाएंगे कार्यकर्ता नेता, तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, विधायकों का टूटने का सिलसिला, विधायकों का बागी होने का सिलसिला, ये तो अक्सर चलता है, ये हर इलेक्शंस में हम देखते हैं कि तमाम नेता जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अहम यही हो जाता है जो आपने कहा कि अगर सीट नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेंगे। लेकिन मुझे नेहा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा सिलसिला है ना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, उसमें आप इंडिविजुअली अपने आप को ज़रूर देखते हैं, बींग अ पॉलिटिशियन आप अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी से भी जुड़ रहे हैं जो केंद्र में अभी राज कर रही है, केंद्र में उनका पूरा बोलबाला है और वो तमाम जो स्टेट्स हैं, तमाम राज्य जो हैं वहां पर उनका बोलबाला है, तो ऐसे में पार्टी में आपकी एक नई इमेज बनना, एक आपको सीट मिलना, वो अहम हो जाता है। लेकिन फिर भी टीएमसी से अगर कंपेयर किया जाए तो बीजेपी में शामिल होना टीएमसी के कुछ नेताओं के लिए ज्यादा गर्व की बात इसलिए होगी क्योंकि वो सत्तारूढ़ी पार्टी है, देश में इस वक्त वो राज कर रही है, तो और साथ ही में टीएमसी के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं हाल ही में, अगर पुराना हम चीजें निकालें तो अभी जो शामिल हुए हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है टीएमसी की जो कुछ रणनीति है वो कुछ ना कुछ बीजेपी के पास जरूर जाएगी और बीजेपी ज्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ टीएमसी कर रही है, और अब टीएमसी जो है वो टीएमसी के ही तरीके से जो है वो आगे बीजेपी अपने जो है पत्ते फेंकेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमित शाह जो है वो पत्ते भी बहुत तरीके से फेंकते हैं कि वो सही तरीके से लगे। अच्छा, बीच में हाल में ही एक प्रशांत किशोर का बयान सामने आया था कि अगर बीजेपी 2.5 अंक से ज़्यादा हो जाती है या 2.5 अंक तक हो जाती है तो वो ट्विटर हैंडल छोड़ देंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 200 के पार जाएगी। बीजेपी दावा कर रही है, देखिए दावा तो हर पार्टी करती है, जब भी कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है तो वो हमेशा कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम कम, और फिर क्योंकि सत्तारूढ़ी पार्टी है जिस तरीके से इस वक्त जो है वो पूरे केंद्र पर जो है वो राज कर रही है, तो ऐसे में 200 से ऊपर जाना ये तो खैर देखने, ये अहम बात होगी और ये देखने की ज़रूरत भी होगी, एक लंबा वक्त है उसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि दावे कर देना आसान होता है और उतने नंबर्स लेके आना जो है वो उतना ही मुश्किल होता है, तो एक लंबा वक्त जो है अभी मुझे लगता है कि और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी जो है अपना वर्चस्व वहाँ पर काबिज़ करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ममता बनर्जी जी क्योंकि एक लंबे समय से वहां पर है, उनको हटाना टेढ़ी खीर होगी जरूर बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर जो है वो ममता बनर्जी का बोलबाला है, आप चाहे ना चाहे, आप समझने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन आपको ये समझना ही पड़ेगा कि ममता बनर्जी का जो वहां पर बोलबाला है, और न सिर्फ ममता बनर्जी जिस तरीके से पंडितों के लिए आगे रहती है, जिस तरीके से उन्होंने चीजें रखी है, तो ऐसे में एक चीज और है कि ममता बनर्जी का मुस्लिमों को लेकर क्या रुख है, क्योंकि जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो वो उन लोगों का जो वोट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना पंडितों का या हिंदुओं का जिस तरीके से वोट होता है, तो ऐसे में ममता बनर्जी जब इलेक्शंस का टाइम आता है सिर्फ तभी मुस्लिम समाज के पास जाती है और तभी वो वोट की बात करती है, यही कहा जाता है हर बार कि ममता बनर्जी मुस्लिम समाज की तरफ सिर्फ तभी जाती है जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, तब वोट की बात आती है, तो ऐसे में ममता बनर्जी को कितना सपोर्ट किया जाएगा ये देखें, और साथ ही में किस तरीके से बीजेपी जितने नंबर्स की वो बात कर रही है तो ये देखेंगे कि किस तरीके से वो इतने नंबर्स लेके आ भी पाती है कि नहीं। जैसा भारती आपने बताया कि मुस्लिम समुदाय के पास तभी जाती हैं जब इलेक्शन पास आते हैं, तो ऐसा लग रहा है क्या मुस्लिम समुदाय ये बात समझ गया है ममता दीदी की और अब वो आगे नया चेहरा लाएगी? बिल्कुल, एक नया रुख, एक नई हवा देखने को मिल रही है इस वक्त। पिछले काफी समय से आप देखिए कितने लंबे समय से जो है वो बंगाल की राजनीति गर्माई हुई है, एक तरीका ये भी है, एक चीज़ आप ये भी कह सकती हैं कि वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब बंगाल की राजनीति में कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, बंगाल की राजनीति जो है वो कंटिन्यूस लेवल पर चल रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है ये जो नई हवा चली है इस हवा में अब जो है वो चीज़ें बहेंगी और वो इस तरीके से बहेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दे टीएमसी का, लेकिन टीएमसी का सूपड़ा साफ करना बेहद मुश्किल होगा, ममता बनर्जी ने वहाँ पर अच्छी खासी पैठ बनाई हुई है। भारती, जैसे ममता बनर्जी टीएमसी का बड़ा चेहरा है, तो बीजेपी में उनको टक्कर देने वाला कौन हो सकता है बड़ा चेहरा? देखिए, ममता बनर्जी वहां पर एक बड़ा चेहरा है, उसके अलावा अगर हम भाजपा को छोड़ दें तो बाकी जो वहां पर कुछ पार्टियां हैं उनके इतने बड़े लेवल पर कोई नेता ऐसा है नहीं जिसकी हम बात कर सके कि वो सीएम पद के लिए दावेदारी कर सके, ऐसे में सिर्फ बीजेपी बचती है और बीजेपी में दो लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष, ये दोनों के दोनों नेता ऐसे हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं कि दोनों में से कोई भी नेता जो है वो ममता बनर्जी को टक्कर दे सकते हैं और सीएम पद के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दिलीप घोष की बात करें तो वो वहाँ के एकदम ग्राउंड लेवल के वहाँ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में
बीजेपी ये चाहेगी कि दिलीप घोष जो है वो वहां पर सीएम पद के लिए लड़े, क्योंकि जिस तरीके से जब एक नेता वहां का ग्राउंड स्तर का नेता होता है, जब वो जमीनी स्तर का नेता होता है, वहां की चीजों को अहम तरीके से और समझ रहा होता है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी चाहेगी कि एक ऐसा नेता वहां पर वहीं से उठाकर वहीं पर ही एक ऐसा नेता जो है वो वहां पर काबिज किया जाए सीएम पद के लिए, अगर बीजेपी जीतती है वहां पर तो, क्योंकि ये अपने आप में अगर लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक लंबा अभी वक्त है और इस वक्त में देखना होगा कि इस तरीके से बीजेपी अपनी समीकरण बदलती है और किस तरीके से वहां पर ये जो दो नेता है इन दोनों नेताओं में से किसको जो है वो सीएम पद के लिए दावेदारी जो है वो अपनी दावेदारी देंगे, और ममता बनर्जी के साथ अगर टक्कर में, क्योंकि अगर हम पूरा अभी कुछ आंकड़ों की बात भी करें तो अगर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आज भी वहां पर इलेक्शन हो जाए तो सीएम पद की दावेदारी अभी भी ममता बनर्जी ही कर रही है, उनका चेहरा जो है वो अभी भी उतना ही वहां पर लोगों के एक लंबा वक्त हो गया है, तो ऐसा लगता है कि एक लंबे वक्त से जब आप एक ही नाम सुनते हुए आ रहे हैं, आप एक ही नाम को जब बार बार देख रहे हैं, तो आप चाहे ना चाहे आप थोड़ा सा उस तरफ झुक जाते हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी, ये कहा जा रहा है कि आज भी अगर वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं तो ममता बनर्जी 50% जो वहां पर लोग हैं वो ममता बनर्जी को ही सीएम पद का चेहरा देखना चाहेंगे, और ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय या फिर दिलीप घोष दोनों ही अच्छे लेवल के नेता हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी की वहां पर पकड़ है, ममता बनर्जी का जो वहां पर पैठ जमी हुई है उसको हिलाना मुश्किल है, उस लेवल तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, हम बात ही कर रहे थे कि जिस तरीके से वो वहां पर रैलियां कर रही हैं और जिस तरीके से इस पूरी पार्टी ने अपनी वहां पर बैक टू बैक जो है वो रैली करनी शुरू की है, तो एक लंबा वक्त बेशक लग जाए लेकिन उम्मीद पूरी है कि वहां पर, और अगर ममता बनर्जी की अगर वहां पर बीजेपी उतने नंबर्स लेकर नहीं भी आ पाती, अगर ममता बीजेपी अगर वहां पर जीत नहीं भी पाती है तो भी ये उम्मीद जरूर है कि एक अच्छे नंबर्स लेकर बीजेपी जो है वो जरूर सामने आएगी। जी बिल्कुल भारती, लेकिन जनता है, काम तो ममता बनर्जी माना बहुत टाइम से कर रही है, चेहरा है, जाना माना चेहरा है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है और यही बदलाव जो है इस बार देखने को मिलेगा। 2021 का चुनाव बहुत अहम हो जाता है बंगाल की राजनीति को लेकर, और न सिर्फ बंगाल की राजनीति बल्कि देश की राजनीति, क्योंकि जब भी एक राज्य में चुनाव होते हैं तो ऐसे में एक राज्य के चुनाव जो है वो पूरे देश में असर डालते हैं, क्योंकि केंद्र जो है दिल्ली से जब चीजें चलती हैं तो दिल्ली से उठकर जब अमित शाह जाते हैं या फिर ये तमाम जो नेता है वहां पर जाके रैली करते हैं तो उनका वहां रैली करना क्या इंप्रेशन देता है, और फिर हम नहीं भूल सकते कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से वो भी एक स्टार प्रचारक हैं और जब वो भी वहां पर जाते हैं और रैली करते हैं तो बहुत बहुत जो है इंप्रेशन पड़ता है वहां की जो जनता, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और भी जो लोग हैं वो उनके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है, और एक लंबा वक्त जो है वो हो गया, धीरे धीरे जो है वो चीजें बदलनी शुरू हुई हैं, एक लंबी हवा जो है वहां पर चलनी शुरू हुई है, और ये हवा कहां किधर फेरबदल करती है, किस तरीके से वहां पर चीजें बदलती हैं, ये बहुत अहम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम अपने डिस्कशन को यही विराम देते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इस राजनीति में होने वाला है, कि ये 2021 का जो चुनाव आने वाला है इस चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, और उम्मीद की जा रही है कि दोनों पार्टियों में टक्कर जो है वो अच्छी हो ताकि जनता को जो है वो मौका मिले कि वो एक अच्छा नेता जो है वो अपने लिए चुन सके। ये तो देखने वाली बात होगी, राजनीति है, फेरबदल होते रहते हैं, इलेक्शन आएगा उसके बाद ही नतीजे आएंगे कि जनता ने किसको सत्ता हाथ दी है। जी बिल्कुल, फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।